Good morning, everybody. Let me know if I am audible. Uh, very good morning, Abhishek Sharma. Kindly let me know if I am audible so that we can start the session for the day. Just confirm me ASAP. चलो गुड मॉर्निंग श्याम गुड मॉर्निंग सुनाम विवेक साहिल रश्मि रशिमा रशिमा लेट्स स्टार्ट सेशन फॉर दस सवाल हैं हमारे और इन सवालों में आज मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम करंट अफेयर आज हमने क्या है मिश्रण किया है दोनों का वेरी गुड मॉर्निंग हरीश विवेक ठाकुर नेक सिंह भारत भूषण और आज हमने दोनों का मिश्रण किया है कुछ एक स्टैटिक है कुछ एक करंट अफेयर के पार्ट से लिए गए हैं राइट और ज्योग्राफी की जो ओवरलैपिंग है आप समझ ही सकते हैं कि एनवायरमेंट में भी जाता है हमारा इकॉनमी के अंदर भी जाता है तो उन सारे एरियाज को भी आज हमने थोड़ा सा टच करने का एक प्रयास किया है तो चलो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दिस्टिक्स आर जनरली ऑब्जर्वड इन द डेड जोन्स ऑफ ओशन अराउंड द वर्ल्ड देखो ये ना बहुत बार न्यूज में ये शब्द रहता है डेड जोन अब आपने देखो इस सेशन के बाद हम पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम के ऊपर आपने क्या करना है कि घर जाकर अपने पास जैसे ही ये सेशन खत्म होता है इस तरह की जो नई शब्दावली है वो कैबलरी है इसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देना ताकि ये जो नए शब्द हैं इनके बारे में आपको पता हो और आपको पता ही है जीएस थ्री एच पी थ्री के अंदर हमारे पास एनवायरमेंट एक डोमेन है जिसमें रोजाना जो है नए प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो उसी नए प्रकार के सवालों में डेड जोन एक शब्द है जिसको हम और एक शब्द मैं आपको यहां पे देता हूं यूट्रोफिकेशन इस शब्द को काफी लोग इससे वाकिफ है तो उसके क्या जो है कैरेक्टर्स रहते हैं तो क्या उसका कैरेक्टर एलगाई ब्लूम है क्या उसका कैरेक्टर हाइपो हाइपोजिक कंडीशन है या डाइवर्स कोरल स्पीशीज इसकी एक कैरेक्टर है तो इसमें से अधिकतम लोगों ने सी उत्तर बोला है कि ये तीनों ही इसका जो है उत्तर है डेड जोन सकर बिटवीन बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन जो इसका सही उत्तर है आप लोग ठीक नहीं दे रहे हैं डेड जोन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो जाना और स्पीशीज का मर जाना स्पीशीज में चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो एक्वेटिक स्पीशीज है जैसे मछलियां हैं और ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं डेड जोन के अंदर तो ऐसी जगह पे कभी भी कोरल सर्वाइव नहीं करेंगे तो डेड जोन में कोरल्स मर जाएंगे तो इसमें जो कंडीशन पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनस एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर जो है वो बहते हुए नदियों के साथ जो है नदियों में लेक्स के अंदर या समुन्द्र तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से अलगाई की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है जब अलगाई की ग्रोथ बढ़ जाती है तो अलगाई टॉप लेयर पे आके जम जाता है और वो नीचे सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देता और धीरे धीरे अलगाई वाटर की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू कर देता है और इस तरीके से आप देखोगे नीचे लैक ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिके सॉरी अलगाई जो है वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती नीचे और सनलाइट ना पहुंचने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस नहीं हो पाता और नीचे ऑर्गेनिज्म मरने लग जाते हैं जब ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो वहां बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी और बैक्टीरिया सारी ऑक्सीजन को वहां पर खत्म कर देंगे जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसको बोला जाता है हाइपोक्सिक कंडीशन की ऑफ ऑक्सीजन राइट तो इस तरह से हम जो है देखते हैं कि डेड जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सारे फ्लोरा एंड मर जाते हैं राइट तो वहां पे कोरल सरवाइव नहीं करेंगे तो इसलिए ए इज द करेक्ट चॉइस एंड आर राइट हैिस्टिक्स ऑफ हाइपोक्सिया एक साहिल ने एक इंफॉर्मेशन लिखी है मैं एक बार इनको रीड कर देता हूं काफी लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है हाइपोक्सिक वॉटर देन टू टू थ्री एम जी पर लीटर बहुत बहुत ठीक डेटा इन्होंने दिया है आप इस प्रकार के डेटा जीएससी के अंदर करते लिए पॉकेट्स ऑफ डेड जोन मेजरली आप ये डेड जोन देखोगे तो ये कोस्टल क्षेत्र का एक फिनोमिना है क्योंकि कोस्ट के ऊपर जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे फर्टिलाइजर की कंजप्शन ज्यादा है पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर तो इस फर्टिलाइजर आप देखोगे यूएसए के सारे कोस्ट पे इस कोस्ट के ऊपर और ब्राजील के कोस्ट पे अर्जेंटीना के कोस्ट के ऊपर क्योंकि यहां पर ग्रास लैंड जहां पे फर्टिलाइजर का कंजप्शन ज्यादा है यूरोप में देखो फर्टिलाइजर का हाई कंजप्शन की वजह से डेड जोन बन रहे एशिया में देखो यहां पर डेड जोन जापान कोरिया एंड चाइना के शोर uh, के ऊपर डेड जोन क्रिएटेड लिए ऑस्ट्रेलिया में देखो जहां पे ऑस्ट्रेलिया की ये पर्थ सिटी है और ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया है साउथ वेल्स जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रिजाइड करती है विक्टोरियन साउथ वेल्स उनके अगर आप कोस्टल एरियाज में देखोगे तो डेड जोन सिचुएटेड है तो डेड जोन आर एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विद कोस्टल एरियाज ऑफ दोज नेशन विच आर यूजिंग अ लॉर्ड ऑफ फर्टिलाइजर इन पर्टिकुलर नाइट्रोजिनस एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर राइट तो आप यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को एक बार पढ़िए जरूर विस्तार में चलो मूविंग अहेड एहड नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कल के अखबार से रिलेटेड है ट्वेंटी फिफ्थ जो है परसों के अखबार से रिलेटेड है उसमें है विच ऑफ द्लेस इज नोन नो लेपर्ड कैपिटल प्रणव इज बैक बहुत 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 तेज उत्तर दिया आप लोगों ने ए ए, ए वेरी गुड वेरी गुड ब्रिलियंट हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये राइट लद्दाख में सिचुएटेड है थोड़ा सा पार्ट आप इसमें देखोगे लॉल स्पीति के अंदर भी इसी प्रकार का हमारा एरिया है पर्टिकुलरली क्लाइमेटिक रीजन है जहां पे स्नो लेपर्ड आपको पाया जाता है तो स्नो लेपर्ड के लिए बोला गया है स्नो लेपर्ड अगर आप देखोगे इस तरह से ये दिखता है स्नो लेपर्ड ये कल की न्यूज है अब देखो इस तरह से एक बार अगर न्यूज आ गई तो उस न्यूज को हमने कैसे रिलेट करना है अपने सब्जेक्ट के साथ करंट के साथ तो आप देखोगे नए प्रकार के सवाल जो है बनाने की एक प्रयास है हेम हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क है और इसी में दी हिंदू की ये न्यूज है वहां पे एक शब्द और लिखा है इस पे आगे भी मैं फिर सवाल पूछूंगा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज ये एक शब्द है इसको मार्क करके रख लीजिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज अदरवाइज अदरवाइजॉट लेके रख लो बाद में इसके बारे में भी पढ़ना अब इस तरह की कोई नया इंस्टीट्यूट ये एक इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइजेशन है या एक ये नया इनिशिएटिव है इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आजकल पूछे जा रहे हैं सीधी सवाल नहीं आ रहे नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज के ऊपर जो है सवाल एक्सपेक्टेड हो सकता है दूसरा आपके जीएस थ्री के अंदर ये कहीं ना कहीं कोट हो जाता है राइट तो इस तरह से हमने देखना है कि कैसे हमने न्यूज से अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है देखो सिविल सर्विसेज का जो पढ़ाई है ये नेवर एंडिंग है कभी नहीं खत्म होती आप किसी मूवमेंट में नहीं बोल सकते कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है क्योंकि इट इज अ अस्टेंट लर्निंग कॉन्स्टेंट लर्निंग क्यों क्योंकि रोज इतने सारी संस्थाएं इतने सारे इनिशिएटिव इतनी सारी पॉलिसीज अखबारों में बनी रहती है हमें देखना है कि हम कैसे अपनी नॉलेज को एनहेंस करें जिन लोगों का प्रियर मेन्स की तैयारी पूरी हो गई है इसमें से बहुत सारे बच्चों को मैं पहचान पा रहा हूं हमारे साथ ही है आप लोग कोर्स के अंदर अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अखबारों से जो हम लोगों ने आपको एक बार स्टैटिक पढ़ा दिया उसको लगातार अपग्रेड करते रहो देखो हमारे पास ढाई हजार से ज्यादा बच्चा पढ़ा है आप समझो ना कि कंपटीशन में तो कितना ही बच्चा क्वालिफाई करेगा एच में इस बार सौ लाख क्वालिफाई किया अगली बार जो है उनतीस सीट्स है अलाइड में कितना ही बच्चा निकल जाएगा एन में कितना ही निकल जाएगा तो वो बच्चा निकलेगा जिसने हमारी पढ़ाई हुई नॉलेज को अपग्रेड किया है क्योंकि जब हम ढाई तीन हजार बच्चों तक पहुंच चुके हैं तो सबके लिए तो तो सीट्स नहीं है तो हमारे कंटेंट को भी अपग्रेडेशन की जरूरत है आपके लेवल पे तो वो अपग्रेडेशन के लिए ये जो सेशन लिए जा रहे हैं ये इसलिए लिए जा रहे हैं कि हमारे कंटेंट को अब आप करंट से कैसे और अच्छा बना सकते हैं तो इसी तहत आप जो ये नए नए शब्दावली है इनको खोजना शुरू कीजिए और अपनी नॉलेज को और एनहेंस भी कीजिए राइट जैसे आप लोगों को इतनी अच्छी चीज जो है इन्फॉर्मेशन यहां पे शेयर करें इंडिया इन उत्तराखंड एट लेकिन आप लोगों के पास है चलो, third, ये एक मॉनसून में एलिनो एक फिनोमिना है उससे पूछा हुआ सवाल है सवाल थोड़ा सा कठिन है आप एक बार प्रयास कीजिए इफ प्रेशर एट डार्विन इज हायर देन एयर प्रेशर एट ती विच ऑफ दंडीशन में अराइज देखो डार्विन कौन सी जगह है आपको पता है कि हम डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया के जो केप योग है वहां पे एक जगह है डार्विन तो इट इज बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया जो तहिती है ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है तो इन दोनों के बारे में एलिनो के बारे में ये स्टेटमेंट है तो इसको एक बार पढ़ के देखिए और जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए वहां पे आपको पता है एक वॉकर सेल या सदन ऑस्टिलेशन जिसको बोला जाता है ये भी एक शब्द है सदन ऑसिलेशन जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है तो उन्हें पता है किया है यह शब्द जानके वो रखे गए हैं जो आपने क्लासेस में नहीं सिचुएटेड है जल्दी से कीजिए अच्छा राजेंद्र थ्री का बी राइट 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 डी बहुत लोग बोल रहे हैं वन, थ्री। तुम लोग को लग रहा है कि मेरे पुराने जिस तरह से एमसीक्यू है अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं तो इसलिए आप लोग आप आएगा तो पहले तो आप डी को ऑप्सिलीट करके ही चलिए राइट right? मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर दिया जा सकता है मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि काफी सारे लोग आप आंसर रहते हैं डिलेड मॉनसून इन इंडिया इट बी दी इट कुड बी दी आउटकम सेकेंड इज स्ट्रॉ वॉटर वॉकर सर्कुलेशन इट्स नॉट लाइक दैट लानीना केस में वॉकर सर्कुलेशन हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं एलिनो में नहीं बोलते हैं फॉरेस्ट फायर इन साउथ ईस्ट एशिया दिस कूड बी दी आउटकम तो वन एंड थ्री आर दी राइट चॉइसिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस हेयर ए इज द मोस्ट भावना शर्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया दीपिका ने दिया जितेंद्र ने दिया काफी लोगों ने अपने जो है सही उत्तर भी दिया है मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को ए ए अगर देखा जाए ए किसी ने बहुत कम लोगों ने ए दिया है प्रीति ने अब जाके ए दिया है भारत भूषण ने ए दिया है यू टुक योर टाइम नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दि फिनोमिना देखो ये दो प्लेसेज है कंडीशन है कंडीशन क्या बोलती है एवरेज एयर प्रेशर इन डार्विन इज हायर यहां पे हाई प्रेशर है हाई प्रेशर का मतलब है यहां पे कोल्ड वाटर है अगर यहां पे कोल्ड वाटर है तो रिलेटिवली यहां हॉट वाटर होगा तो मीन्स यहां पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा तो हाई और लो यहां पे हॉट वाटर कब आता है वॉर्म वाटर कब आता है जब एलनीनो करंट इस प्रकार से काउंटर इक्विटोरियल करंट जिसको जब वो पेरू के कोष में पहुंचेगा उसको हम बोलेंगे एलिनो करंट तो यह एलिनो करंट अपियर हो जाता है इसी कंडीशन में यहां लो प्रेशर सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एंटीसाइक्लोन्स मीन्स नो रेनफॉल अगर यहां पर बारिशें नहीं होंगी तो मीन्स फॉरेस्ट फायर कुड बी दी आउटकम तो इस पूरे क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशिया में फॉरेस्ट फायर इसी सीजन में लगती है जब आता है दूसरी बात तो वो वाली स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरी बात ये कहते हैं जब आता है तो इंडिया पे वीक हो जाते हैं डिले हो सकते हैं बिल्कुल ठीक बात है आपको पता ही हैज इट्स इंपैक्ट ओवर इंडियन मानसून तो इंडिया में मानसून उतने अच्छे नहीं रहते जैसे आजकल मानसून का ही मौसम है तो अगर एलनीनो ईयर कंसीडर किया जाएगा तो मानसून की जो मात्रा है वो घट जाएगी रेनफॉल की मात्रा घट जाएगी तो इन दोनों को

नरवा पहाड़ इज फेमस फॉर यूरेनियम माइनिंग नरवा पहाड़ राइट तो इसके बारे में बताइए जल्दी से राइट 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 काफी सारे आंसर पोर इन हो रहे इजी है इसको करना आप देखेंगे बी 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 सी मिक्स है री गुड वेरी गुड वैसे पता नहीं आप लोगों ने कैसे उत्तर तो दे दिया बी इज द्री आर दी राइट आंसर खेतरी माइंस आपको याद होगा कई बार मैं बताता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी खेतरी माइंस जो अलवर में है और रावलीस के फुटहिल्स में है इनके बारे में मैंने कई बार बोला था खेतरी माइंस आर नोन फॉर देयर कॉपर एक्सट्रैक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कॉपर है जो तांबा है वो यहीं से ही निकाला गया था ठीक है दूसरा है बुंदेल माइन जो कि कैमूर रेंज कैमूर रेंज हमने पढ़ा है यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक रेंज है जो विंध्याचल का ही एक पार्ट है कैमूर रेंज वहां पे मिलता है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर चतर, उस डिस्ट्रिक्ट में ये माइन है अभी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं इन माइन्स को जो है प्राइवेट हैंड्स में दे रहे हैं ताकि एक्सट्रेक्शन अच्छी हो पाए तो बुंदेल माइन्स बीच में न्यूज में भी बनी रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे लास्ट ईयर की ही न्यूज है अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो क्योंकि प्रोटेस्ट हुए थे तो अखबारों में आया था तो करंट अफेयर का एक सवाल है कौन से अखबार में आया था इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये खबर आई हुई थी तो हम लोग सारे ही अखबार पढ़ रहे हैं इस टाइम पे चाहे वो इकोनॉमिक्स टाइम्स है चाहे वो time, चाहे वो वो टाइम हिंदू है द एक्सप्रेस है एंड लाइव मिंट है तो इन सारे अखबार एंड पी से मिला के ही आपकी न्यूज बनाई जा रही है राइट right? तो बुंदेल इज अ वेल नोन एरिया फॉर डायमंड वेरी ट्रू नरवा पहाड़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंग है आपको पता होगा हम लोगों ने क्लासेस में भी पढ़ा है कि झारखंड के अंदर जादूगुड़ा एक जगह है जहां पे आपके यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन होती है तो उस यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन वाली पर्टिकुलर माइन का नाम है नरवा पहाड़ तो नरवा पहाड़ इज नोन फॉर इट्स यूरेनियम एक्सट्रैक्शन और हिंदुस्तान की ही एक कंपनी है पीएसयू है जो यूरेनियम एक्सट्रैक्शन के लिए लिमिटेड है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको ओन करती है साथ ही साथ ये जो नरवा पहाड़ वाली जगह है दिस इज दी फर्स्ट फुली माइन ऑफ इंडिया यहां पे मैकेनाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखे हुए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ह्यूमन को हम ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते तो माइन को पूरी तरीके से मैकेनाइज करना बहुत जरूरी था अदरवाइज ह्यूमन को कई सारी प्रकार की आप देखते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के संपर्क में हम लोग आते हैं राइट right? तो बी इज द राइट चॉइस है तो आप देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है ये देखिए इस तरह से जो है इकनॉमिक टाइम्स में खबर आई थी इसके बारे में कि ये जो बुंदेर ब्लैक डायमंड बुंदेर डायमंड ब्लॉक है इसके बारे में ये ये सारी जो है न्यूज आई हुई थी राइट और देखिए फुली मैकेनाइज uh, हिंदू में ये खबर कवर हुई थी कि फुली मैकेनाइज माइंड ऑफ नरवा पहाड़ झारखंड राइट चलिए मूविंग एड विद क्वेश्चन नंबर फिफ जो मैंने बोला था नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज ये आपके अभी जो स्नो लेपर्ड वाली न्यूज है उसमें ये इंस्टीट्यूशन का नाम इस पॉलिसी का नाम दिया हुआ था इसके बारे में जल्दी से रीड कीजिए मिशन मिशन इंप्लीमेंटेड बाय द द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली टारगेट ओनली द इंडियन हिमालयन रीजन स्टेट जी बी पंत गोबिंद बल्लभ पंथ हुई फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और नेहरू एन एहरा के ये लीडर रहे थे ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेचर था इनका नेहरू जैसा

तो ये नेशनल मिशन हिमालयन स्टडीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको लिख लीजिए जीएस थ्री के अंदर एनवायरमेंट की डोमेन में फॉल करेगा ठीक है तो हमने देखना है कि एनवायरमेंट भी हमने अच्छे से कवर करना है राइट और न्यूज में बना हुआ है तो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है देखिए इस तरह से इसके बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन है ये जो इसमें दस हिमालयन स्टेट्स कवर्ड है जो हमने बोला हिमालयन रीजन में स्टडीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन से दस स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा एंड उत्तराखंड जहां जहां पे हमारे हिमालयस हैं वहां पे ये सारी जगह सिचुएटेड है राइट और इसमें कुछ एक है हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड मेघालय इन दो को ऑन किया है क्योंकि यहां पर भी आप देखोगे मेघालय वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग वाला जो एरिया है जो कि एक्सटेंशन ऑफ है शिवालिक्स है तो वहां पर भी ये जो है काम करेगी स्कीम राइट तो ये स्ट्रॉग लिंक है, है बाय माउंटेन कैट एंड साइबेरियन इबेक्स ब्लू ये जो है आपकी न्यूज बनी हुई थी करंट अफेयर में चलो जी मूविंग एड क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपके ट्वेंटी सेकेंड बाईस तारीख की न्यूज है दी कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच ऑफ रिवर साहिल yes, ने एड ऑन किया है एरिया रिसर्च लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी महानदी गोदावरी कृष्णावेरी कालेवरमेरी गुड ये गोदावरी और बहुत ज्यादा जो है करंट अपडेटेड uh, है आप लोगों का क्योंकि न्यूज कोई पुरानी नहीं है ये यस yes, तेलंगना में ये है, है ना अभी इसी के ऊपर जो है कई सारे इशूज है तो गोदावरी बी इज द करेक्ट चॉइस आप सभी का सही है अब ये देखिए इसमें जो आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क है इसमें दो बॉडीज के नाम लिखे गए हैं एक मिनिस्ट्री है जल शक्ति मिनिस्ट्री ये रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको जरूर आप लोग पढ़िए क्योंकि इसमें अब हमने देखा था वाटर जो है स्टेट सब्जेक्ट ध्यान से सुनना वाटर स्टेट सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाटर होने से वाटर जो है एक्विफर्स ग्राउंड वाटर की फॉर्मेट में है नदियों और लेक्स की फॉर्मेट में है तो मल्टीपल स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जब नदी इन्वॉल्व होती है तो जब हमें हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर करने की जरूरत थी तो हिंदुस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्योंकि वाटर अलग अलग लिस्ट के अंदर सिचुएटेड है इसीलिए अब हमने एक नई मिनिस्ट्री बनाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जिसका काम है वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सारे ही चीजों को ध्यान से देखने का तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और जो जो स्कीम इसके अंडर डाल दी गई है उन सबको पढ़ना है राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जीएस के अंदर इरीगेशन वॉटर ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज दिए हुए हैं उसके अलावा इसके अंदर एक और एक और बॉडी का नाम लिखा गया है जिसका नाम है सी सेंट्रल वाटर नेक्स्ट जब हम सेशन लेंगे मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन के रखा हुआ है आज दस क्वेश्चन पूरे हो गए थे तो उसको नहीं डाला डाल तो नेक्स्ट का क्या रोल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम आपने घर से करके लाना है राइट right? यस yes, जैसे गोदावरी के बारे में आप लोगों ने बातें करी है दक्षिण गंगा बोला जाता है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है चलो संथल ट्राइब दिस वाज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली अवर ऑनरेबल प्राइम प्रेजिडेंट इज फ्रॉम संथल ट्राइब तो उनके लिए जो है ये एक हमने करंट अफेयर का सवाल बनाया है संथल ट्राइब को लेकर अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो संथल ट्राइब के बारे में मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश एरा में भी इसके बारे में लिखा गया है तो पूछा गया संथल ट्राइब कौन कौन से स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है तो आसाम झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ ये पांच स्टेट के नाम लिखे गए हैं चलिए जल्दी से इसको एक बार प्रयास कीजिए हाँ जैसे आपने बहुत अच्छी स्कीम लिखी जल से नल स्कीम बहुत अच्छी है जल जीवन योजना है बिल्कुल बिल्कुल ये सारा आप लोगों ने पढ़ना है चलिए सेवंथ क्वेश्चन मिक्स आ रहे एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस अच्छे से विजिबल हो कहीं आप गलत करेंगे नहीं तो बहुत मिक्स ऑप्शंस बता रहे हैं आप लोग चलिए जी जितेंद्र कह रहे हैं थ्री फोर एंड फाइव देखिए एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ ये चारों स्टेट में मिल रही है तो सी इज चॉइस चौसाम में इवन बांग्लादेश के अंदर भी संथल है। क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर हम हिंदुस्तान की शक्ल बनाएं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में संथल ट्राइब एग्जिस्ट करती है तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के ही एडजेसेंट में आप देखोगे उड़ीसा है वहीं पे वेस्ट बंगाल है आप देखोगे संथल रिवोल्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको उनके एरियाज पता चलेंगे कहां कहां पर संथल हैं तो वेस्ट बंगाल में संथल हैं, बांग्लादेश में भी संथल है तो इसमें सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस वन टू थ्री एंड फोर छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है संथल छत्तीसगढ़ की ट्राइब नहीं है राइट चलिए ये देखिए इस तरह से जो है न्यूज रही थी कि जो है हमारी रीसेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उनके बारे में था शीज फ्रॉम संथल ट्राइब ये कुछ उनके ट्राइबल्स के जो है uh, किस तरह से तौर तरीके हैं उनका पहनावा है वो दिखाया गया है एक ये इन्फॉर्मेशन है झारखंड में ये सबसे ज्यादा मात्रा में है फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय उड़ीसा एंड अवर रिसेंट प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम उड़ीसा एंड लास्ट वन इज बिहार तो यहाँ पे ये जो है संथल ट्राइब हमें देखने को मिल रही है राइट right? इंपॉर्टेंट ट्राइबल ट्राइब है बड़े ट्राइबल ग्रुप हमारे पास मुंडा है संथल है कोल है एंड भील ट्राइब है ये बड़े ट्राइबल ग्रुप है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने जिस दिन क्या था सर्टिन ट्राइब्स एक्नोलेज मोस्ट प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड ट्राइब तो उन ट्राइब के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लेना है राइट चलो जी क्वेश्चन नंबर एट रिसेंटली देर वॉज अ न्यूज अबाउट काली बेन रिवर ऑफ पंजाब क्योंकि अभी पंजाब के करंट चीफ मिनिस्टर साहब ने इस रिवर से पानी पिया था एंड ही ही सिक रिवर के परस्पेक्टिव से देखो कितनी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी भारत भूषण ने लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया वेरी गुड इसमें एड ऑन कर लो कि अरुणाचल प्रदेश में सॉरी

तो बी इज चॉइस दोप्रिएट काफी लोगों ने बी बोला भी है डी भी बोला है तो जो है कहती कि बीमार हो गए भगवान साहब यस वेरी ट्रू चलो क्विकली क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन फ्रॉम दी जोग्राफी और फ्रॉम लोकेशन पार्ट आज लोकेशन से सवाल नहीं था तो ये सवाल लोकेशन से हम लेकर आए हैं राइट इस सवाल को देखिए बहुत अच्छा सवाल है चलिए जल्दी से जल्दी से उत्तर दीजिए स्ट्रेट और उनको वाटर बॉडीज कौन सी दो वाटर बॉडीज को स्ट्रेट कनेक्ट करता है स्ट्रेट को परिभाषित कैसे करते हैं नैरो एंड वाटर वाटर बॉडी बॉडी कनेक्टिंग टू लार्जर विल बी एज स्ट्रेट 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 तो इसी स्ट्रेट में हमने देखा एक ऑफ हॉर्मूज है जहां से इंडिया का सारा तेल आ रहा है ठीक है ऑयल के ये हमारे हाईवेज हैं तो ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ यमन के बीच में है कहता है क्वेश्चन दूसरा है बबल मंदेब इसमें बोला जाता है कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के बीच में है थर्ड इज बॉस्कोरस स्ट्रेट तो सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी के बीच में है ऐसा बोला जा रहा है कर्च स्ट्रेट जो कि लगातार न्यूज में बना है सी ऑफ अजोब एंड ब्लैक सी के बीच में जल्दी से उत्तर दीजिए मिक्स 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 स्किप कर दिया देविका ने चलिए चलिए बहुत अच्छे ट्राई करो ट्राई करो बॉस्फोरस टर्की में है तो रॉन्ग है अनमोल ने जो है लॉजिक लगाया है लॉजिक बिल्कुल ठीक है गुड 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 देखो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन बर्ब एल मंडीप दोनों को कनेक्ट करता, करता है बिल्कुल ठीक है बॉस्फोरस स्ट्रेट अगर आपको पता है जैसे अनबोल ने बोला टर्की में है, है ना तो ये दो सी सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी को यहां पर अगर सही होती स्टेटमेंट अगर हमने लिखा होता ब्लैक सी तो सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है हॉर्मूज हाँ जिसको बोला जाता है जो पर्शियन गल्फ से जो है अभी मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगा आपको पता चलेगा जहां को जिसको सिक्योर करने के लिए इंडिया ने छा बहार पोर्ट ईरान से लिया है तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ यमन नहीं है ओमान यहां पे शब्द आना चाहिए था इसलिए वन एंड थर्ड आर इनकरेक्ट तो इसको एक बार इमेजेस देख लेते हैं ये आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम से ताकि आप इन इमेजेस को एक्सेस कर पाओगे तो आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये देखो दुबई के पास में एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ है इसलिए इन सारी कंट्रीज को गल्फ नेशन बोला जाता है बिकॉज ऑफ पर्शियन गल्फ सारी कंट्रीज इसके अराउंड है ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया कतर बहरेन और यहाँ पे यूएई राइट देखिए दिस इज बब अल मंडेप विच इज कनेक्टेड टू वॉटर बॉडीज रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन एडन यमन के नीचे वाला जो हिस्सा है गल्फ ऑफ एडन राइट देखिए ये देखिए सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी दिस इज कर्टेट लगातार न्यूज में बना है रशिया और क्रीमिया के टाइम पे भी ये जब क्राइसिस था तब भी बना हुआ था दूसरी तरफ देखिए ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा दिस इज बॉस्फोरस स्टेट टर्की right? को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, है, है। right. आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूज में बाइस फे रिजर्व काफी ज्यादा आ रहे हैं डेट सी एंड ब्लैक सी ऑलवेज कंफ्यूज मी भाई ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है ब्लैक सी आपको पता ही है एक लाइन में है हमारे मेडिटेरियन सी ब्लैक सी 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 एंड कैस्पियन डेड जो है एक छोटा सा सी है जो कि इसराइल के अंदर है राइट right? तो कंफ्यूज मत कीजिए एक बार आप लोकेशन को देखोगे फिर आप जाएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए जो यूनेस्को में इंडिया में अठारह बाईस रिजर्व है आपको पता है 18 अठारह रिजर्व यूनेस्को के पास है उन 18 अठारह रिजर्व हिंदुस्तान में उसमें से कुछ बाइस फे रिजर्व जो कि टोटल बारह है नंबर में तो बारह बाईस फेर रिजर्व जो है एम ए बी मैन एंड बाइसफेयर प्रोग्राम के तहत रखे गए तो पूछा गया इनमें से कौन से हैं जो रिजर्व के अंदर रखे गए हैं इसका उत्तर दीजिए एंड बोल रहे हैं लोग सी बोल रहे हैं काफी लोग डी बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं इसका मतलब किसी ने ढंग से बाइसफेयर रिजर्व नहीं पढ़े अट्ठारह आपको याद नहीं है याद है तो ये नहीं पता उनमें से एम ए बी वाले कौन से देखो लॉजिक याद रखो अट्ठारह टोटल बाइसफेयर रिजर्व है आउट ऑफ अट्ठारह बारह एम ए बी के अंदर है घर जाके इनको पढ़ लेना अच्छे से और रट लेना ये आ सकता है पेपर राइट right? इसमें जो सही है पंचमारही विच इज मध्य प्रदेश पता ही आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट के पास में सिमलीपाल right? इन उड़ीसा दीज आर आर दी टू रिजर्व ऑल्सो एंड आर अंडर एम ए बी प्रोग्राम रेस्ट ऑफ देम आर बाइसफेयर रिजर्व बट आर नॉट पार्ट ऑफ एम ए बी प्रोग्राम राइट देखिए इनमें से जो ग्रीन शेडेड है पार्ट ऑफ एम ए बी प्रोग्राम एम ए बी में देखो आपके नंदा देवी वाला मेघालय सुंदरबन सिमलीपाल अचानक पंचमारही गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी अगस्तिया मलाई एंड ग्रेट निकोबार दीज आर दी प्रोग्राम्स अंडर एम ए बी राइट तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और रट लेना है उसके बाद राइट right? चलो जी आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं और इस सेशन की पी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश जी के तूफानी पहाड़ी से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप लोगों की तैयारी काफी ठीक लग रही है मेरे को जिस प्रकार से आप लोग उत्तर दे पा रहे हैं क्योंकि रीसेंट करंट भी आपके अच्छे बने हुए हैं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन कठिन बनाए और उससे आपके आंसर क्वेश्चन सॉल्विंग एक आर्ट भी डेवलप होगी और नॉलेज ट्रांसफर भी यहाँ पे किया जाएगा राइट चलिए जी थैंक यू थैंक अलॉट थैंक्स अलॉट